हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस एजुमीटर। मेरा नाम है रंजीत। तो हमारा 4 मंथ का स्पेशल बैच चल रहा है जिसके अंदर SSC CGL CHSL MTS जितने भी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, उनका सिलेबस कवर कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग हमने मैथ और इंग्लिश से किया है। तो क्लास का जो लैंग्वेज है वो बाइलिंगुअल होती है, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम के अंदर पढ़ाया जाता है। और एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक कर रहे हैं कि कौन सा क्वेश्चन MTS के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा CHSL के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा क्वेश्चन CGL के लिए इंपॉर्टेंट है, हम वो सारा कवर कराते हैं। तो अभी तक हमने मैथ और इंग्लिश की काफ़ी क्लासेज अपलोड कर दी हैं, टाइम एंड वर्क चल रहा है और टाइम एंड वर्क के अंदर हमारा काफ़ी क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ 2 क्लास के अंदर आई थिंक आपका कंप्लीट हो जाएगा पूरा का पूरा टाइम एंड वर्क, ठीक है। तो आज बिना टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं। जो बच्चे नए हैं चैनल पे, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। ओके, तो आज जो हमारा टाइम एंड वर्क का पहले जो कल लास्ट क्लास में क्वेश्चन कराया था मैंने, ठीक है, उस क्वेश्चन का रिविजन कर लेते हैं एक बार, ठीक है। आपको क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, कोई हॉस्टल है, ठीक है, उसके अंदर 200 स्टूडेंट्स हैं और उनके पास खाना रखा हुआ है, और खाना कब तक चलता है, 50 डेज, ठीक है। 200 स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स एंड 50 डेज तक उनका फूड चलता है, ठीक है। 200 बच्चे हैं और उनके पास इतना फूड है कि वो 50 दिन चल जाता है, ठीक है। अब आपने जो क्वेश्चन में ट्विस्ट है, वो ट्विस्ट क्या है कि 10 दिन बाद क्या होता है, 50 नए बच्चे, ठीक है, आ जाते हैं। तो बताइए फूड कितने दिन चलेगा, दिन चलेगा, ठीक है। 10 दिन बाद 50 नए बच्चे आ जाते हैं, ठीक है। तो अब आपको बताना है कि फूड कितने दिन चलेगा। तो उसका आंसर बहुत सिंपल है, ठीक है। पहले हमें देखना है कि टोटल फूड क्या है, फूड की यूनिट क्या है। तो देखो 200 स्टूडेंट्स हो गए मल्टीप्लाई बाई 50 डेज फूड चलता है, ठीक है। तो मतलब टोटल फूड की यूनिट कितनी होगी, 200 को हम 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा वो होगा 10,000 यूनिट्स। मतलब आपके पास 10,000 यूनिट्स फूड है, 10,000 यूनिट। अब क्वेश्चन में बोला है कि 10 दिन बाद 50 बच्चे आ जाते हैं, 10 दिन बाद और आ जाते हैं 50 बच्चे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट क्या है कि 10 दिन बाद, ठीक है, 200 बच्चे 50 दिन तक चलता है, ठीक है। 10 दिन बाद 50 नए बच्चे आ जाते हैं, लेकिन 10 दिन तक तो 200 बच्चों ने खाना खाया ना, 50 बच्चे तो 10 दिन के बाद आए हैं, लेकिन 10 दिन तक तो सिर्फ 200 बच्चों ने खाना खाया है। तो मतलब 200 स्टूडेंट ने 10 डेज खाया, कितना खाना खाया होगा, 2000 यूनिट्स खाया, यूनिट्स। तो कितना खाना बचा, 8000 यूनिट्स। तो स्टार्टिंग में 200 स्टूडेंट्स होते हैं, 50 डेज खाना चलता है आपका, तो मतलब 10,000 यूनिट्स आपके पास थे, लेकिन 10 दिन तक बच्चों ने कितना खाना खाया, 2000 यूनिट खाना खा लिया। तो अब आपके पास 8000 यूनिट खाना बचा है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि 50 नए बच्चे आए थे, तो अब कितने स्टूडेंट्स हो गए, 200 प्लस 50, ठीक है, इतने बच्चे हो गए। और खाना कितने दिन चलेगा हमें नहीं पता, डेज, और खाना है कितना, 8000 यूनिट खाना बचा हुआ है। तो आपको डेज निकालना है कि कितने दिन खाना चलेगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 250 मल्टीप्लाई बाई डेज इक्वल्स टू 8000, ठीक है। अब 8000 को 250 से डिवाइड कर देंगे तो आपका डेज निकल आएगा, ठीक है। 8000 डिवाइड बाई 250, इसको डिवाइड कर दोगे तो आपका आंसर 32 आ जाएगा, 32 डेज, बस ये आंसर हो गया। मतलब आपका खाना 32 दिन चलेगा, तो 32 दिन तक जो 250 स्टूडेंट है वो खाना खा लेंगे, बस इतना सा आंसर था आपका, 32 डेज आंसर आ गया। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो जिन बच्चों को ये समझ नहीं आया, ना आया हो, तो मेरी पिछली वाली क्लास देखें, क्योंकि पिछली क्लास का क्वेश्चन है ये, मैंने आपको रिवीजन के लिए कराया है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हम, वो टॉपिक एकदम नया है आपके लिए, ठीक है, पर टाइम एंड वर्क का ही पार्ट है वो, टाइम एंड वर्क का, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रखा है आपको, देखो कई बार क्वेश्चन पता क्या होता है, देखो
ये होते हैं मेल फीमेल वाले क्वेश्चन, मेल फीमेल बॉय, इस तरह के क्वेश्चन में ना आपको ये बोल रखा होता है इतने मेल हैं, कुछ फीमेल हैं, कुछ बॉयज़ हैं, 5 male, 10 females, 12 boys, इस तरह आपको डाटा दे रखा होता है। तो जब इस तरह के क्वेश्चन है जितने मेल फीमेल बॉय आदमी औरत बच्चा लड़का इनकी बात की जाए तो आप समझ जाना कि टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन है और इनको सॉल्व करने का तरीका भी वही होगा जो मैं आपको बताऊँगा, बहुत सिंपल सा है। तो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, ठीक है, 12 men 12 आदमी होते हैं, ठीक है, वो 18 days के अंदर कितने 18 days के अंदर काम कर लेते हैं, ठीक है। 12 women होती हैं, 12 औरतें होती हैं, वो भी 18 days के अंदर काम कर लेती हैं। 12 men है, 12 men है और 12 women है और दोनों 18 दिन के अंदर, सॉरी यहाँ पे 18 days नहीं आएगा, जो वुमेन है वो 24 days के अंदर काम करती हैं, कितना 24 days के अंदर, ठीक है। 12 men 18 days में काम करेंगे और 12 women 24 days के अंदर काम कर लेंगी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कार्य क्षमता बताइए, बताइए, ठीक है, वर्क एफिशिएंसी, वर्क एफिशिएंसी, ठीक है, ये आपको निकालना है कि जो आदमी है उसकी कार्य क्षमता कितनी है और जो औरत है उसकी वर्क एफिशिएंसी कितनी है, आपको ये निकालना है, ठीक है। तो वैसे तो मैं आपको पहले शॉर्टकट ट्रिक करा चुका हूँ और शॉर्टकट ट्रिक बाद में कराऊंगा, पहले इसको प्रॉपर तरीके से सॉल्व करते हैं। काम तो एक ही है, दोनों को एक ही काम करना है, जो आदमी है वो 18 दिन में करते हैं, औरतें हैं वो 24 दिन में करते हैं। तो सिंपल तरीका है इसको सॉल्व करने का, लिखते हैं यहाँ पे आंसर और अब होगा क्वेश्चन सॉल्व। 12 men मल्टीप्लाई बाई 18 days, ठीक है, यहाँ पे 12 female मल्टीप्लाई बाई 24 days, ठीक है, ओके। अब इसको सॉल्व करना है तो पहले तो यहाँ पे चीज़ों को आपस में काट लेते हैं, जो चीज़ें जहाँ से कट रही हैं उनको वहाँ से काटते हैं। 12 से 12 कट गया तो यहाँ पे क्या बचा, मेल मल्टीप्लाई बाई 18 days, फीमेल मल्टीप्लाई बाई 24 days, ठीक है। अब फीमेल को यहाँ पे लाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, मेल अपॉन फीमेल इक्वल्स टू, और 18 को इस यहाँ पे लाएंगे, ठीक है, 24 अपॉन 18, ठीक है, डेज, ओके। तो ये मेल हो गया, फीमेल हो गई 24 18, अब से सॉल्व कर लेते हैं, काट देंगे इसको, ठीक है। मेल फीमेल कितना हो गया, 24 को 6 के टेबल से काटो 4, और इसको कितना हो गया, 18 से काटेंगे 6 से काटेंगे 3, तो 4/3, तो मतलब जो आदमी हैं, ठीक है, उसका क्या है 4 और फीमेल का क्या है 3, आदमी कितना है वर्क एफिशिएंसी 4 और फीमेल कितना है 3, यहाँ से डी को हटा देंगे, यहाँ से भी डी को हटा दें, ठीक है, ओके। जो मेल है उसकी वर्क एफिशिएंसी कितनी है 4 units और फीमेल की 3, मतलब मेल इज टू फीमेल इक्वल्स टू 4:3, ये उनकी कार्य क्षमता का अनुपात हो गया, बस सिंपल सा क्वेश्चन था। अब इसी क्वेश्चन को मैं आपको शॉर्टकट से कराऊंगा जो मैंने आपको पहले कराई थी, पहले इसको मिटा देता हूँ। ये क्वेश्चन आपको देखते सॉल्व कर लेना है, बहुत इजी क्वेश्चन है, क्योंकि ये कैसे मैंने आपको बताया था कि टाइम, ठीक है, अपोजिट होता है, ठीक है, किसका, वर्क एफिशिएंसी का, ठीक है। समय और कार्य क्षमता का अनुपात हमेशा उल्टा होता है, अगर समय ज़्यादा लगेगा, ठीक है, तो मतलब कार्य क्षमता कम है, ठीक है, और समय कम लगेगा तो मतलब कार्य क्षमता बहुत ज़्यादा है। तो इस क्वेश्चन में क्या था, देखो मेल और फीमेल दोनों तो नंबर सेम है, 12 आदमी और 12 ही औरतें हैं, ठीक है, तो जब क्वेश्चन के अंदर आदमी औरत की नंबर संख्या जो होती है वो समान हो, इक्वल हो, तब क्या करना है, देखो डेज कितने ले रही है 18 और 24, ठीक है, मेल फीमेल कितना डेज ले रहा है, मेल ले रहा है 18, फीमेल ले रहा है 24, तो इनका पहले तो रेशो निकाल लेते हैं, ठीक है, रेशो क्या हो गया 3:4, मेल 3 days लेगा, फीमेल 4 days लेगी, ठीक है, यहाँ पे डी लिखा है डी, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया कि टाइम का अपोजिट होता है वर्क एफिशिएंसी, मेल 3 days ले रहा है और फीमेल 4 days, तो इसका उल्टा कर दो, मेल का क्या होगा 4 और फीमेल का 3, बस ये आपका आंसर हो गया,
मेल क्या हो गया 4 और फीमेल हो गई 3, क्योंकि यहाँ पे दोनों के नंबर सेम है, मेल और फीमेल दोनों के नंबर 12-12 हैं, सेम है। तो हमें करना क्या, डायरेक्टली आपको टाइम को अपोजिट कर देना है। टाइम का अपोजिट क्या होता है, वर्क एफिशिएंसी, समय का उल्टा कार्य क्षमता। तो इनको लग रहा था 3:4 दिन का मान लो रेशो था, उसका उल्टा कर दिया 4:3, ठीक है। तो 4:3 रेशो निकल आया, मेल इज टू फीमेल 4:3। बस ये तरीका हर किसी को नहीं पता होता, कुछ जो बच्चे इन्होंने भी पहले पहली क्लास देखी होगी उनको समझ आ गया होगा। हालांकि बहुत ईजी तरीका है, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि टाइम और वर्क एफिशिएंसी, समय और कार्यक्षमता हमेशा अपोजिट होते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसके बाद। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोला है, ठीक है। अब प्रीवियस क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई किया गया है, जो पहले भी क्वेश्चन किया था उसे भी थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, ठीक है। इसमें बोला है कि अगर 12 मैन 18 डेज में करते हैं, ठीक है, और 12 वुमेन 24 डेज 24 डेज में काम करते हैं, ठीक है। तो हमें इनका वर्क एफिशिएंसी तो पता लग चुका है, वो कितना है 4:3। तो आपको क्वेश्चन में ये रखा है कि 12 मैन 18 दिन में करते हैं और 12 औरतें 24 दिन में करती हैं। और क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, ये पूछा गया है कि 10 आदमी और 8 महिलाएं काम कितने दिन में करेंगी, ठीक है। तो फिर 10 मैन 10 मैन और 8 वुमेन, ठीक है, मिलकर काम कितने दिनों में पूरा करेंगे, ठीक है। मतलब ये रखा आपको डाटा, ये आपको समझ आ चुका था कि वर्क एफिशिएंसी क्या है। आ गया क्वेश्चन, बस इतना पूछा है कि 10 आदमी और 8 औरतें मिलकर काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, काम कितने दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो पहले तो हमें ये पता करना है कि काम है कितना, पहले तो ये पता करो कि काम है कितना, तभी तो पता गया कितने दिन में ख़त्म होंगे। तो पहले आंसर सॉल्व कर निकालते हैं, हम निकालते हैं पहले टोटल वर्क, टोटल वर्क कितना है निकाल लेते हैं, ठीक है। पहले बात कर लेते हैं कितने आदमी, वो 12 मेन, ठीक है, ओके। देखो टोटल वर्क निकालने के दो तरीके हैं, पहले क्वेश्चन में क्या था कि 12 आदमी, ठीक है, 18 दिन में काम करते हैं, ठीक है, तो 12 मैन मल्टीप्लाई बाई 18 डेज, ठीक है। और एक आदमी की काम कार्य करने की क्षमता कितनी थी, आदमी की कार्य क्षमता थी 4 और वुमेन की थी 3, ठीक है, मेल की कितनी थी 4 और फीमेल की कितनी थी 3। तो मतलब जो आदमी है, ठीक है, वो 4 यूनिट काम करता है, ठीक है। तो 12 आदमी कितना काम करेंगे, 4 यूनिट। लो निकल आई इनकी कार्य क्षमता, टोटल वर्क, इनको अगर मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपका आंसर आएगा, और मल्टीप्लिकेशन आता है इनका 864, ठीक है। देखो टोटल वर्क हमेशा सेम रहेगा, अगर मैं यहाँ पे मेल की जगह फीमेल को ले लूँ, फीमेल को, तो भी सेम रहेगा। कैसे, 12 औरतें वो 24 दिन में काम करती हैं, ठीक है, 24 डेज के अंदर, ठीक है, और वुमेन की वर्किंग कैपेसिटी कितनी है, कार्य क्षमता कितनी है उनकी, 3 यूनिट है, 3 यूनिट, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लो अभी 864 आएगा, तो मतलब जो टोटल वर्क है वो तो सेम रहेगा, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है कि 10 आदमी और 8 औरतें काम कितने दिन में करेंगी, तो हमें इतना तो पता लग गया कि टोटल वर्क कितना है। आ गया, ये रहा आपका टोटल वर्क, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। तो 864 आपको यूनिट काम करना है और 10 आदमी और 8 औरतों को मिलकर करना है, मतलब 10 आदमी, ठीक है, और 8 औरतें हैं, ठीक है, और कितने दिन में करना है ये निकालना है हमें, ठीक है। एक आदमी जो होता है मेल, ठीक है, वो कितने यूनिट काम करता है, 4 यूनिट, 4 यूनिट, और फीमेल कितना यूनिट काम करती है, 3 यूनिट, ठीक है, ये फीमेल हो गई। बस इनको मल्टीप्लाई कर दो, 40 प्लस, ठीक है, यहाँ पे दोनों को
40 प्लस 24 मल्टीप्लाई बाई डेज कितना हो गया 64 मल्टीप्लाई बाई डेज और इक्वल में क्या आएगा हमेशा 864 बस। देखो यहाँ पे बोला गया कि 10 आदमी 8 औरतें मिलकर कितना काम करेंगे, तभी हमने आदमी जो मेल है और फीमेल को ऐड कर दिया गया है, यहाँ पे ऐड कर दिया गया है ठीक है। और तभी मैंने एक ब्रैकेट लगाया था, पहले स्मॉल ब्रैकेट फिर मिडिल ब्रैकेट ठीक है इस तरह। तो 10 को 4 से क्या 40, 8 को 3 से क्या 24 ठीक है, और दोनों को प्लस कर दिया 64। अब हो गया क्वेश्चन सॉल्व कैसे, 864 को 64 से डिवाइड कर दो, किसको 864 को 64 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, यहाँ पर लिख देता हूँ 864 डिवाइड बाई 64 इक्वल्स टू डेज ठीक है, कितना आ रहा है 13 1/2 डेज। तो कितने दिन में काम हो जाएगा 13.5 दिन के अंदर, इसको डिवाइड कर लेना आपका वही आंसर आ जाएगा, 13.5 दिन के अंदर आपका काम निपट जाएगा। बस सिंपल सा क्वेश्चन था, दोबारा देख लो, पहले आपको टोटल वर्क निकाला, जब टोटल वर्क आ गया तो 10 मेल और उनकी वर्क यूनिट थी 4, फिर 8 फीमेल उनकी वर्क यूनिट 3 और मल्टीप्लाई करेंगे डेज से, बस कर दिया क्वेश्चन और आपका आंसर आ गया 13 1/2 डेज। ओके तो ये क्वेश्चन था आपका मेल फीमेल बॉय का। अच्छा जो ये वाला क्वेश्चन है ठीक है, ये क्वेश्चन एमटीएस के लेवल का नहीं है और ना ही ये क्वेश्चन आएगा यूपी पुलिस के अंदर ठीक है, ना बिहार पुलिस इस तरह के एग्जाम में नहीं आता, ये क्वेश्चन है सीएचएसएल के लेवल का और सीजीएल के लेवल का। अच्छा इसे जो ठीक पहला क्वेश्चन रहा था मेल फीमेल वाला ठीक है, वो क्वेश्चन था एमटीएस के लेवल का, और साथ में अगर आप पुलिस की बात कर लें जो छोटे स्टेट लेवल के एग्ज़ाम है उनके लेवल का वो क्वेश्चन था, लेकिन जो ये वाला क्वेश्चन है ये सीजीएल और सीएचएसएल के लेवल का है ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का ठीक है। ठीक है अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, आपको सिंपल सा क्वेश्चन है ठीक है, बोलता हूँ एक बार, पांच आदमी या छह औरतें या आठ लड़के किसी काम को 28 दिन में करते हैं कार्य क्षमता बताइए। आपसे क्वेश्चन था पूछा क्या है, कार्य क्षमता पूछिए, वर्क एफिशिएंसी कि देखो पांच आदमी या छह औरतें या आठ लड़के, इसका मतलब पता क्या है, ये तीनों साथ में काम नहीं कर रहे कि मतलब पांच आदमी हैं वो काम को 28 डेज के अंदर कर लेंगे ठीक है, सिक्स वुमेन होती हैं वो भी 28 डेज के अंदर कर लेंगी और एट बॉयज़ वो भी 28 डेज के अंदर कर लेंगे ठीक है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ रखा है, तो अब बोला गया है उनकी कार्य क्षमता बताइए, वर्क एफिशिएंसी बताइए, तो इसका आंसर भी बहुत सिंपल है और बहुत सिंपल तरीके से इसको हम करेंगे कैसे, देखो इसका आंसर है 5 men = 6 women = 8 boys = ठीक है, इनका एलसीएम ले लेंगे कितना आएगा 120 एलसीएम निकलाया। इस तरह के क्वेश्चन में इन सब का ना एलसीएम ले लेंगे ठीक है, इन सब का हमने ले लिया एलसीएम, अब एलसीएम आ गया, अब इसको आसानी से सॉल्व कर लेते हैं ठीक है। कैसे, पहले मेल का निकालते हैं आदमी का, आदमी मेल कैसे एलसीएम को 5 से डिवाइड कर दो, 120 / 5 = 24 ठीक है। औरतों का निकाल लेते हैं, फीमेल कैसे एलसीएम को डिवाइड कर देंगे, कितनी वुमन थी 6 थी ठीक है, 120 / 6 20 आ गया। और बॉयज़ का, लड़कों का 120 / 8 कितना निकलेगा 15
तो कितनी कार्यक्षमता निकली इनकी, 24, 20 और 15। लो ये निकल गई, मेल एस टू फीमेल एस टू बॉय, ये उनकी कार्यक्षमता निकल आई। बस सिंपल सा क्वेश्चन था, चेक कर लेते हैं एक बार, 24, 20, 15। ठीक है, तो मेल की 24, फीमेल की 20 और बॉयज़ की 15। बस इस तरह के क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली एलसीएम लेना है जब यहाँ लिख के रहा है। इंग्लिश वाले के लिए बोल दूँ, 5 men और 6 women और 8 boys कंप्लीट अ वर्क इन 28 days, देन फाइंड देयर वर्किंग एफिशिएंसी सेपरेटली। ठीक है, तो ये उनकी वर्किंग एफिशिएंसी कार्यक्षमता निकल आई है। ठीक है, जिनको सॉल्व करना हो स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो, कॉपी में लिखना हो ले लो, फिर हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो अभी हमने बहुत ईजी क्वेश्चन किए और ये क्वेश्चन भी आ सकता है CHSL और CGL लेवल के अंदर। ठीक है, क्योंकि थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, ये किसी फॉर्मेट पे बेस्ड नहीं है, एक लॉजिक होता है उससे सॉल्व किया गया इस क्वेश्चन को। क्योंकि अगर प्रॉपर फॉर्मूले से इन क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि फॉर्मूले आप SSC कर रहे हो, आपको 40 से 50 सेकंड के अंदर क्वेश्चन करना होता है, और 50 सेकंड तो ज़्यादा बोल दिया, जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट होते हैं उनको 20 से 30 सेकंड के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो जो आपको इतने कम समय के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो आपको ट्रिक का यूज़ करना है, ट्रिक्स का। आपको अपने ट्रिक्स जो ट्रिक्स हैं जो आपको मैं बता रहा हूँ, इनको अपने माइंड में रखनी है। ठीक है, तभी आपके आके क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होंगे। ठीक है, ओके, तो अभी हमने काफ़ी अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए, काफ़ी मज़ा आया क्वेश्चन करने में। ठीक है, ओके, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ, ए ने कार्य शुरू किया और 4 दिन बाद छोड़ दिया। ठीक है, बी ने बचा हुआ काम 18 दिनों में किया। ठीक है, ए ने जो काम था वो शुरू किया, ठीक है, और 4 दिन बाद काम करके छोड़ दिया। ठीक है, लेकिन बी ने बचा हुआ काम कितने दिन में किया, 18 दिन में। मतलब पहले ए ने काम स्टार्ट किया और 4 दिन बाद छोड़ दिया, और जब ए ने छोड़ दिया उसके बाद बी ने स्टार्ट किया। ठीक है, और बी ने कितने दिन में किया, 18 दिन के अंदर काम किया। अब क्वेश्चन में बोला गया है, अगर ए 6 दिन बाद कार्य छोड़ता तो बी बचे हुए काम को 12 दिन में कर लेता। ठीक है, अगर ए 6 दिन बाद काम छोड़ता, पहले ए ने 4 दिन बाद काम छोड़ा तो बी ने 18 दिन में कर लिया, लेकिन अगर ए 2 दिन और काम करता, मतलब 6 दिन काम करके छोड़ता, तो जो बी है वो बचा हुआ काम 12 दिन में पूरा कर लेता। ठीक है, अब क्वेश्चन आपसे पूछा क्या है, ठीक है, कि ए और बी अकेले काम कितने दिनों में कर लेते, दिनों में कर लेते हैं, मतलब ए और बी अकेले अकेले काम कितने दिनों में पूरा कर लेते हैं। तो ये है आपका क्वेश्चन, और बहुत सिंपल है, तो उसको हम सिंपल तरीके से ही करेंगे। देखो लॉजिक से समझना, ठीक है, ए ने 4 डेज काम किया, काम करके छोड़ा, तो बी ने कितने दिन काम किया, 18 डेज। ठीक है, फिर ए ने 6 डेज अगर काम करके छोड़ता तो बी जो है वो बचे हुए काम को कितने दिन में कर लेता, 12 डेज में कर लेता। ठीक है, अगर ए 4 दिन काम करके छोड़ता तो बी बचा हुआ काम 18 दिन में करता, लेकिन ए अगर 6 दिन काम करके छोड़ता
तो बी बचे हुए काम को 12 दिन में करता। तो देखो, अगर ए 2 दिन और काम करता, कितने 2 दिन एक्स्ट्रा काम करता, ठीक है, तो बी को 6 दिन कम करने मेहनत करनी पड़ती, ठीक है। तो देखो, अगर ए 2 दिन एक्स्ट्रा काम करेगा तो बी को 6 दिन कम काम करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि देखो अगर वो 2 दिन ज़्यादा काम करता तो बी 6 दिन कम काम करता, है ना। तो इसका मतलब क्या है, ए और बी की रेशो कितनी है, ए और बी की रेशो क्या है, देखो टाइम की रेशो की बात करो, ए और बी के टाइम की रेशो क्या है, 2:6, ठीक है। तो इनकी कार्य क्षमता वर्क एफिशिएंसी की रेशो क्या होगी, वो होगी 6:2, मतलब 3:1। कैसे, समझा देता हूँ। देखो, ए अगर 2 दिन एक्स्ट्रा लेगा तो बी को 6 दिन कम काम करना पड़ेगा, मतलब जब ए 2 दिन ज़्यादा काम करता है, ठीक है, तो बी को 6 दिन कम करना पड़ता है, मतलब जो काम ए ने 2 दिन में किया उस काम को करने के लिए बी को 6 दिन लगते हैं। अगर जो काम ए को करने में 2 दिन लगते हैं वो काम बी कितने दिन में करता है, 6 दिन में, तो उनके टाइम का रेशो क्या हो गया, 2:6, ठीक है। और वर्क एफिशिएंसी क्या होती है, कार्यक्षमता क्या होती है, उसका अपोजिट होती है, मतलब 6:2। अब 6:2 को हम 2 के टेबल से डिवाइड करेंगे तो 3:1, ठीक है। तो ए और बी की कार्यक्षमता कितनी है, वर्क एफिशिएंसी कितनी है, 3:1 का रेशो आ गया। बस अभी के लिए इतना माइंड में रख लो, 3:1। अब बाकी क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखो, इसको मैं रोक देता हूँ, मैं ठीक है, इतना आ गया। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, ठीक है, ए 4 डेज में करता है, ठीक है, ओके। तो ए अकेला काम ए और बी अकेले काम कितने दिनों में पूरा कर लेंगे, ठीक है। तो देखो, पहले ए का निकाल बी का निकालते हैं, बी का, ठीक है। अब देखो, बी जो है, ठीक है, वो कितने दिन में काम करता है, 18 दिन में काम करता है, ठीक है, वो 18 दिन में काम करता है। और बाकी काम कौन करता है, ए करता है 4 दिन के अंदर, ए 4 दिन काम करता है और बी 18 दिन काम करता है, तो काम पूरा हो जाता है, ठीक है। ए 4 दिन काम करेगा और बी 18 दिन काम करेगा, तो काम पूरा हो जाएगा। तो देखो, बी तो 18 डेज काम करता है, ठीक है, और ए कितने दिन काम करता है, 4 दिन काम करता है, ठीक है। और 4 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्यों करेंगे बताता हूँ। देखो, ए जो है वो बी से कितना पावरफुल है, 3 गुना ज़्यादा पावरफुल है, वो तो उससे 3 गुना ज़्यादा काम कर सकता है, ठीक है। तो अगर आपको बी के टर्म के अंदर आंसर निकालना है तो आपके ए के काम को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि जो काम ए 4 दिन में करेगा वो काम बी कितने दिन में करेगा, 12 दिन में करेगा। क्यों, क्योंकि जो बी है वो ए से 3 गुना ज़्यादा टाइम लेता है। जो बी है वो आपको पहले क्वेश्चन कराया था मैंने, यहाँ पे 6:2 लिखवाया था मैंने आपको, ठीक है। तो जो बी है वो ए से 3 गुना ज़्यादा काम टाइम लेता है, 3 गुना ज़्यादा टाइम लेता है। तो मतलब ए ने 18 दिन काम किया, बी ने 4 दिन काम किया, तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि बी ए से 3 गुना ज़्यादा काम, 3 टाइम ज़्यादा टाइम लेता है। तो कितना आंसर आ गया, 18 + 12 = 30 डेज, मतलब बी काम 30 डेज में कर लेगा, ठीक है। अब ए का निकाल लेते हैं कि ए अकेला काम कितने दिन में कर लेता, ठीक है। तो देखो, फिर से वही तरीका, ए 4 दिन काम करता है, ठीक है, प्लस और बाकी काम कौन करता है, बी करता है। बी कितने दिन में करता है, 18 दिन में, लेकिन ए तो बी से 3 गुना ज़्यादा पावरफुल है, मतलब जो काम जो बी है वो 3 दिन में करेगा वो ए 1 दिन में करेगा, जो काम बी 6 दिन में करेगा ए उसी काम को 2 दिन में करेगा। तो उसी तरह जो काम बी 18 दिन के अंदर करता है बी उस काम को 6 दिन में कर लेगा, क्योंकि वो उससे 3 गुना ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है। तो बी बचे हुए काम को 18 दिन में करता है, तो ऐसे कितने दिन, ए उसे 6 दिन में कर देगा, 10 डेज, मतलब अब ए जो है वो काम को 10 डेज में पूरा कर लेगा। तो आपके दोनों से निकला है 30 डेज और 10 डेज, ठीक है। ए 10 डेज में कर लेगा और बी आपका 30 डेज के अंदर अकेले काम को पूरा कर लेगा। तो ये था आपका क्वेश्चन, समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन और बचता है, उसे पूरा कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ये क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, ओके। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको पहले लिखवाते हैं।
ए किसी काम का 7/10 15 दिन में करता है, ठीक है। बी बचा हुआ काम ए के साथ मिलकर 4 दिन में करता है, ठीक है। आपको दो डाटा दे रखा है, पहला ए किसी काम का 7/10 7/10 15 दिन में करता है, और बी बचा हुआ काम ए के साथ मिलकर 4 दिन में करता है। मतलब जो बी है वो बचे हुए काम को ए के साथ, मतलब दोनों साथ में काम करते हैं, बचा हुआ काम और 4 दिन में काम कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या है बता देते हैं, आपसे दो चीज़ें पूछी हैं। पहला ए प्लस बी काम कितने दिनों में करेंगे, मतलब ए और बी मिलकर काम कितने दिनों में करेंगे, पहली चीज। और दूसरा ए कितने दिन में काम पूरा करेगा, मतलब ए अकेला कितने दिन में काम पूरा करेगा। तो अब इसको सॉल्व करते हैं शॉर्टकट तरीके से। तो देखो पहले आपको क्या देखना है, एक चीज़ को समझाओ आंसर। टोटल वर्क कितना मान लोगे हमारा 1, ठीक है। ए ने कितना काम किया 7/10, ठीक है। तो रिमेनिंग वर्क कितना हुआ, जो बचा हुआ काम है वो कितना हो गया, रिमेनिंग वर्क हो गया आपका 1 - 7/10 3/10। तो मतलब जो 3/10 काम है, जो ये वाला काम है, ठीक है, उसको ए और बी ने मिलकर, ठीक है, कितने दिन में किया, 4 डेज में पूरा कर दिया, ठीक है। जो 7/10 काम था वो तो ए ने कितने दिन में किया, 15 दिन के अंदर, 15 डेज में, ठीक है। और जो वो काम है 3/10 उसको 4 डेज के अंदर ए और बी ने मिलकर कर लिया। बस ये आपको थोड़ा सॉल्व समझा गया होगा। एक बार दोबारा क्वेश्चन को पढ़ना, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी लंबा है, लैंग्वेज थोड़ी टिपिकल है, इसलिए आपको समझ में थोड़ी दिक्कत होगी। इतना आ गया तो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहले कर लेते हैं कि ए कितने दिन में सॉल्व कर लेगा। शॉर्टकट ट्रिक है 7/10, ठीक है, 15, ठीक है। देखो जो ए था वो 7/10 काम 15 दिन में करता है, तो सॉल्व करने का तरीका क्या है, इसको रेसिप्रोकल कर दो, 7/10 का रेसिप्रोकल कर दो, 10/7 multiply by 15, आपका आंसर निकल आएगा कितना जाएगा, 150/7, ठीक है, या फिर 21/3/7 ऐसे लिख लीजिए। तो एक काम कितने दिन में करेगा, 21/3/7, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो 21+3/7। देखो चाहो तो ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, मर्जी है, एग्ज़ाम में कैसे भी ऑप्शन पूछ सकता है। तो आपको इस तरह करना है कि ए ने काम कितने दिन में किया, 7/10 काम 15 दिन में किया, तो ए अकेला पूरा काम कितने दिन में करेगा, ये पूछा था ना आपसे कि ए कितने दिन में काम पूरा करेगा। तो आपको इस तरह सॉल्व करना है, 7/10 का रेसिप्रोकल कर देना है और 15 लिख देना है, बस 15 से मल्टीप्लाई कर देना है और आपका एक का आंसर निकल आया। तो ए अकेले इतने दिन में काम पूरा कर लेगा। अब बी कितने दिन में करेगा, ए और बी मिलके कितना दिन में पूरा करेंगे वो निकाल लेते हैं पहले, थोड़ा हरफ कर दें ज़रा, ओके, ठीक है। क्वेश्चन बोला था कि ए और बी, ठीक है, 4 डेज में काम करते हैं, 4 डेज के अंदर बचा हुआ काम कंप्लीट करते हैं, और बचा हुआ काम है कितना, 3/10, मतलब 3/10 काम होता है 3/10, उसको ए और बी कितने दिन में करते हैं, उसको ए और बी मिलकर 4 डेज में करते हैं। तो फिर से रेसिप्रोकल कर देंगे, 3/10 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 10/3, और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, निकला है आंसर
40/3। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, थोड़ा और कन्फ्यूजन ना हो ये मिला देता हूँ। तीन बटे दस का हमको वो चार दिन में करते हैं, तो 3/10 का रेसिप्रोकल कर दिया, 4/3 हो गया, और उसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 40/3। इसको चाहो तो ऐसे लिख लो 40/3 को 13/1/3 या फिर 13+1/3। एग्ज़ाम में ये ऑप्शन हो सकता है, ये ऑप्शन हो सकता है, ये ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। तो ए और बी मिलकर काम को 13/1/3 डेज में कंप्लीट कर लेंगे। तो एग्ज़ाम में जो भी ऑप्शन है तीनों में से आपको वो टिक कर देना है। तो ये थे आज के जो स्पेशल क्वेश्चन, और जो ये वाला क्वेश्चन है ये स्पेशली सीजीएल के लिए है, क्योंकि सीएचएसएल में इस तरह क्वेश्चन आने के चांस कम है, कि थोड़ा थोड़ा टाइम लग जाता है बच्चों को। देखो ये क्वेश्चन होता है शॉर्टकट से, ठीक है, और शॉर्टकट से आपको पता है ये क्वेश्चन आप कुछ ही सेकंड में हो जाएगा, कुछ ही सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन हो जाता है। लेकिन कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसको प्रॉपर तरीके से करेंगे, ठीक है, और इसलिए उनको टाइम लगता है। तो इसलिए इस तरह के क्वेश्चन होते हैं ना शॉर्टकट तरीके, एमटीएस में आने चाहिए, मगर एमटीएस में सिर्फ इसलिए नहीं आते क्योंकि बच्चे उनका लेवल तक अच्छा नहीं होता कि वो उसको शॉर्टकट से कर पाएँ। तो ये सीएचएसएल और सीजीएल उसके लेवल के क्वेश्चन है ये, ठीक है। और जो पहले जो क्वेश्चन कराए थे वो पुलिस वगैरह जो भी एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए। तो आज की मैथ की क्लास में मैंने आपको सिर्फ इतने क्वेश्चन कराए, कितने क्वेश्चन हो गए इस क्लास में, शायद लगभग 5 क्वेश्चन आपको मैंने करा दिए हैं, 4 या 5, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और टाइम एंड वर्क को करीबन 1 या 2 क्लास बची हैं, और उसके अंदर टाइम एंड वर्क कंप्लीट होगा, और फिर हम टैप एंड सिस्टम, नल और टंकी वाले जो क्वेश्चन आते हैं उनको करेंगे, और उनको भी इसी तरह शॉर्टकट से करेंगे। तो जितना हो सके मेरे को सपोर्ट करें, मोटिवेट करें, वीडियो को लाइक क्या करें, कमेंट क्या करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करके किए बिना मत जाया करें, ठीक है। अपने जितने भी दोस्त हैं उसके चैनल को शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।